वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी गाइस, दिस इज अजय कुमार नामदेव। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जनरल एप्टीट्यूड का फिफ्थ लेक्चर, जो कि स्मार्ट लर्निंग एकेडमी द्वारा चलाया जा रही डीबीटी क्रैश कोर्स सीरीज का पार्ट है। एंड यहाँ पे मैं आज 2016 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पिछले चार लेक्चर्स में मैंने 2017, 18, 19 के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आज मैं 2016 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। And two sides of an isosceles triangle measures 3 cm and 7 cm. Which one of the following is the measure of the third side? Now, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तीन प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं, बेसिक ट्राइंगल्स जिसे हम बोलते हैं। सो पहला ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जहां पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल जिसे बोलते हैं। एक होता है आइसोसेलिस, जहां पे दो साइड्स इक्वल होती हैं। एक होता है स्कैलिन ट्राइंगल, जहां पे तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होने वाला है। सेकंड चीज, आपको एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए ट्राइंगल की, क्या कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बेसिक प्रॉपर्टी है ये, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये कैसे यूज होगी मैं आपको बताता हूं अभी यहां पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, सपोज की ये दो साइड्स बराबर है। आप एक साइड को 3, एक साइड को 7 मान लीजिए, कोई सी भी एक साइड को 3 और कोई सी एक साइड को 7 मान सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन सी साइड्स बराबर है, आप इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मान के चलिए कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो इसकी कोई भी दो साइड्स बराबर होंगी, या तो 3, 3 होना चाहिए दो साइड्स, या 7 होनी चाहिए। दो साइड्स तो कम से कम ये हो सकती है, या तो 3 के बराबर 3 हो या 7 के बराबर 7 हो। लेकिन इतना आसान नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि कुछ तो लॉजिक इसके पीछे होगा। तो हम ये जो प्रॉपर्टी है हमारे काम आएगी, कैसे, कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इन दो साइड्स का सम क्या होगा, 6। इन दो साइड्स का सम होगा 14। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब ये दो साइड्स होंगी जो आपकी थर्ड साइड होगी वो हो जाएगी 7। जब ये दोनों आपकी जो अगर आइसोसेलिस की दो इक्वल साइड्स होंगी तो जो आपकी थर्ड साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो इन दोनों साइड्स का सम कितना हुआ, 3, 3, 6, विच इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो हम 3 को अपना जो आइसोसेलिस ट्राइंगल का थर्ड साइड है वो नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि वो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है। सो 3 + 3 = 6 विच इज नॉट ग्रेटर देन 7। इसका साफ मतलब बनता है कि हम 3 को अपना थर्ड साइड नहीं ले सकते। सो व्हाट इज द ऑप्शन, 7, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत ही बेसिक चीज थी, दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, पहली कि आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, सेकंड ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में भी मेंशन करी है। सो इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होता है, डीबीटी को काफी पसंद भी है ये प्रॉपर्टी, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 9 AM द शेडो ऑफ अ 5 feet टॉल बॉय इज 8 feet, एट द सेम टाइम शेडो ऑफ अ फ्लैग पोल बिसाइड इज 28 feet, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। कि एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, और इसकी जो शेडो हो रही है यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे सन है, इसकी जो शेडो बन रही है वो यहाँ कहीं बनेगी ऐसे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा विजिबल हो। ठीक है, ये है 5 feet और ये इसकी शेडो है 8 feet। उसने ये भी बोला कि साइड में एक फ्लैग पोल है, ठीक है, जिसकी शेडो है वो है 28 feet, तो आपको उसकी हाइट बतानी है, इस फ्लैग पोल की हाइट कितनी होगी। नाउ सपोज दो चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, सपोज तो क्या ही करना है इसमें, लेकिन आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपना जो लॉजिक है वो यूज करना है। कैसे, कि सन जो होता है, सन के लिए आपका जो शेडो हो या किसी ट्री का शेडो या किसी और ऑब्जेक्ट का शेडो, दोनों सेम रहेगा। जो रेशो बढ़ेगा आपकी हाइट और शेडो का जो रेशो है, वही एक ट्री की हाइट का और शेडो का रेशो होगा। तो या तो आप ये बेसिक जो आपका लॉजिक है वो यूज कर लीजिए। तो अगर ये यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे कि शेडो अपॉन हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे शेडो का जो लेंथ है अपॉन हाइट, हाइट सपोज क्वेश्चन मार्क ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 28 feet इंटू 5 feet अपॉन 8 feet, यही होगा। अब जिसे आप सॉल्व करेंगे, 2 4 8, 2 14 4 1 4, इसको आप कैंसिल, जब कैंसिल करेंगे तो 3.5 आएगा। सो 3.5 इंटू 5 = 17.5 feet। जो शेडो हो गई और यहां से जो आप मान के चाहिए जो एंगल सन बना रहा है ये वो है। सिमिलरली यहां पे आपका फ्लैग पोल हो गया, मान लीजिए ये उसका शेडो हो गया,
ठीक है, यहाँ पे आपको 28 इफ इट इसका शेडो का लेंथ दिया हुआ है, आपको हाइट पता करनी है। तो ये आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की तरह दिख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये जो एंगल होगा सन का वो बराबर ही होना है, तो ये आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की तरह दिख रहा है। सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं, सो इट विल बी लाइक 5 फीट अपॉन एच इज इक्वल टू 8 फीट अपॉन 28 फीट, इस साइड का रेशियो इस मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आपको एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 28 फीट इंटू 5 फीट अपॉन 8 फीट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही सिमिलरली 17.5 फीट मिल जाएगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड अपियर नेक्स्ट इन द सीरीज 8 12 10 14 12 एंड 16। नाउ ये बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन अगर इसको दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, मैं आपको दोनों बताऊंगा, 8 12 10 14 12 16। नाउ अगर इसको आप देखें, ये क्या होगा प्लस 4, यहां से यहां माइनस 2, अगेन प्लस 4, अगेन माइनस 2, अगेन प्लस 4 एंड देन अगेन माइनस 2, सो 16 माइनस 2 विल बी 14, दिस इज योर आंसर। द अनदर मेथड कैन बी 8 12 10 14 12 16। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कोई बताएगा, अल्टरनेट में देखेंगे, प्लस 2 प्लस 2, मतलब आप यहां देखेंगे दो एपीज चल रही हैं, एक अल्टरनेट में वन मतलब सपोज दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस कैन बी द फोर्थ टर्म। सिमिलरली यहां देखेंगे 12 का इज द फर्स्ट टर्म, 14 इज द सेकंड टर्म, 16 इज द थर्ड टर्म एंड देन अगेन हियर विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ द सेकंड एपी। तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12 प्लस 2 शुड बी 14, सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे दो एपीज वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्लस 4 माइनस 2 अल्टरनेट, प्लस 4 माइनस 2 करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपको क्लिक कर जाए आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें मतलब होता है, बाकी कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर मोर देन अ थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज। नाउ दो नंबर है जो किसी थर्ड नंबर से 20% या 50% ज्यादा है, तो हमें एक चीज बेसिक ध्यान रखना है, जिस नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हम उसे x मान लेते हैं, लेट सपोज थर्ड नंबर भी x, ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर है मान लीजिए, फर्स्ट दो में से जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या है 20% मोर देन दिस, सो इसका 20% निकालेंगे प्लस दिस नंबर, क्योंकि इसी से 20% मोर देन है, तो इस x प्लस 20% ऑफ x, सेकेंड नंबर क्या होगा इस नंबर से 50% ज्यादा है, सो x प्लस 50% ऑफ x, ये हो जाएगा x प्लस 0.2x, 20% 0.2 तो 1.2x, और ये हो जाएगा x प्लस 50% इज 0.5x, सो 1.5x। उससे हमसे पूछा गया है क्या कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज, तो फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो क्या होगा, तो फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो क्या होगा 1.2x अपॉन 1.5x, x से x तो वैसे भी कैंसिल हो गया, डेसिमल डेसिमल आप हटा सकते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा 12 अपॉन 15, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सो योर रेशियो शुड बी 4:5, दिस इज योर आंसर। सो अगेन यहां पे सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, परसेंटेज आपको पता है किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज को आप समझेंगे कि किससे कितना ज्यादा है, कौन सा नंबर ज्यादा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द अनरिटन नंबर इन द सीरीज, सो सीरीज क्या है 360 क्वेश्चन मार्क, देन 180 60 5 सॉरी 15 एंड 3। नाउ अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा हो तो पीछे से आप स्टार्ट कर लीजिए, दिस इज इंटू 5, दिस इज इंटू 4, दिस इज इंटू 3, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 63 जा 180, दिस शुड बी इंटू 2, 180 into 2 should be 360 and 360 into 1 is 360 into 1 is 360. So this is how you can complete the series. या फिर आप पीछे से चलें तो 360, अब यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ही गेस्ट करना है जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए अल्टरनेट तरीका क्या है, आप पीछे से स्टार्ट करके देखिए कि सीरीज कहाँ से खत्म हो रहा है, वहां से स्टार्ट कीजिए, वहां से जो पैटर्न फॉलो होगा वही आप इस साइड से सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, आप चाहे इधर से सॉल्व करें चाहे इधर से सॉल्व करें। Now moving to the next question,
द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ पोल्स टू 3 एंड इट्स एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर इज. नाउ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ पोल्स टू 3 एंड इट्स एरिया इज 108 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें इसकी साइड्स का रेशियो, तो हम जनरली मानते हैं जो लेंथ और ब्रेथ होती है उसका रेशियो है 4:3. ठीक है, हम लेंथ को सपोज करेंगे 4x एंड ब्रेथ को सपोज करेंगे 3x. ठीक है, तो आपका लेंथ हो गया 4x, ब्रेथ हो गया 3x. एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. तो एरिया कितना हो जाएगा, 4x इनटू 3x दैट इज 12x स्क्वायर. एरिया आपको गिवन है 108, तो आप यहां रखेंगे, सो x स्क्वायर विल बी 108 अपॉन 12 व्हिच इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 3. यहां पे जो प्लस माइनस 3 आएगा, मतलब माइनस वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे कि l क्या है, लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो विल ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, यहां पे आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 3 12, यहां पे 3 रखेंगे तो 3 3 9, तो आपके पास लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 9 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, 2 l + b, लेंथ + ब्रेथ. 2 लेंथ कितना है 12, प्लस ब्रेथ कितना है 9, तो 12 प्लस 9 इज 21 इंटू 2, 42 सेंटीमीटर. दिस इज योर पेरीमीटर एंड दिस इज योर आंसर. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेंसुरेशन का. अगर आपको सिर्फ एक चीज पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब इस तरीके के क्वेश्चन और रेशियो दिया गया तो आप इसी तरीके से लेंगे. आप किसी भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को बोल देंगे कि 4x एंड 3x के टर्म्स में ले लेंगे. जनरली हम यही करते हैं, कांस्टेंट एक वैल्यू को लेके उसके साथ रख देते हैं और वो रेशियो वाला पार्ट जो होता है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, रेशियो में आप कोई भी एक कांस्टेंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको नई नई वैल्यूज मिलती जाएंगी. तो बेसिकली ये वही चीज होती है. अ ब्रिक वेज 3/4 ऑफ इटसेल्फ एंड 3/4 ऑफ अ केजी. द वेट ऑफ द ब्रिक इन केजी इज. अगेन दिस क्वेश्चन में लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है कि अ ब्रिक वेज 3/4 ऑफ इटसेल्फ एंड 3/4 ऑफ अ केजी. ये तो आपको समझ आ रहा है कि 3/4 ऑफ अ केजी, 3/4 ऑफ अ केजी, केजी मींस 1 केजी, 1 केजी को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम. तो अगर आप इसको करना चाहें तो क्या आएगा, 3/4 ऑफ 1000 ग्राम विल बी 750 ग्राम. यहां से आप करेंगे 4 × 4 = 250, 250 × 3 = 750 ग्राम. ये तो वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चलेगी 3/4 ऑफ अ केजी, और ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी. अब इटसेल्फ की मतलब कि उसके खुद के वजन जो हमें नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे लेट द वेट ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स का 3/4 ऑफ इटसेल्फ लिखा, तो मतलब एक्स का 3/4 ऑफ एक्स ऑफ मतलब इनटू प्लस 3/4 ऑफ अ केजी मतलब 750 ग्राम इज इक्वल टू एक्स. तो 3/4 ऑफ एक्स को अपन उधर भेज दीजिए, 750 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4 ऑफ एक्स. 750 इज इक्वल टू 3/4, सॉरी, एक्स माइनस 3/4 इज विल बी एक्स बाय 4 ओनली. सो एक्स इज इक्वल टू 750 इंटू 4, दिस विल गिव यू 3000 ग्राम्स. 3000 ग्राम्स मीन्स 3 केजी. क्यों? क्योंकि आंसर केजी में पूछा गया है. सो आंसर विल बी 3 केजी. होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिवील्स द फॉलोइंग इमेजेस. यूजिंग दिस इमेजेस इफ यू हैड टू रिकंस्टिट्यूट द ऑब्जेक्ट व्हाट वुड बी इट्स 3D शेप. तो पहली बात आता था 2018 का एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था. सो नाउ मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करा रहा हूँ कि इसमें आपको चार इमेजेस दी गई हैं एक 3D फिगर की, और ये चारों जो इमेजेस हैं ये टॉप व्यूज हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशन से हैं, अलग अलग पोजीशन से कट किया गया है, उसके बाद ये आपको व्यूज दिखाए गए हैं टॉप व्यूज. तो अगर सबसे पहले मैं इसके साइजेस के अकॉर्डिंग बात करूँ कि आप इसे सबसे पहले साइजेस के अकॉर्डिंग इसे जमा दीजिए. दिस इज योर बॉटम प्लेट. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करूंगा. सो 3D में जो होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अराउंड 30 डिग्री से हम शुरू करते हैं, तो इसलिए मैंने 30 डिग्री के अराउंड बनाया है. एंड दिस इज द टॉप प्लेट. नाउ अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी लुक लाइक दिस ओनली. ऐसे ही अगर ऊपर वाली जो टॉप प्लेट होगा तो इस तरीके से देखेगा. तो किस टाइप का फिगर नजर आ रहा है आपको, अगर आप इस फिगर को देखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज अ पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर. अगर आप लोगों ने देखे हो पिरामिड, तो पिरामिड ऐसे ही कुछ दिखते हैं. सो दिस इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर. सो दिस इज योर आंसर. होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा.
विद दिस आई एम बाइंडिंग दिस सेशन एंड आई होप एक सेशन जो है आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। मैं कुछ और सेशंस भी अभी लेकर आने वाला हूं जहां पे हम 2016 के बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो गाइस प्लीज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट्स। एंड गाइस प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।